शायद आप लोग मुझे जानते होंगे, मुझे पता है कल आप लोगों का एग्जाम है, मेरी तरफ से आप सभी को गुड विशेस। मैं जानता हूँ आप सब लोग आज थोड़े से स्ट्रेस में होंगे, थोड़े या कुछ लोग थोड़े ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, लेकिन आपको स्ट्रेस लेने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है तो कल का एग्जाम आपका जरूर अच्छा जाएगा, उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा कल के एग्जाम में। सबसे पहले जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, आप रिलैक्स रहिए, आपको स्ट्रेस की वजह से कोई गलतियां नहीं करनी है। दूसरी चीज, सवाल ध्यान से पढ़ें, ये देखिए कि सवाल में क्या पूछा है, इफ इट इज टू करेक्ट द राइट ऑप्शन और नॉट द राइट ऑप्शन। वैसे वो लोग हाईलाइट करते हैं अगर नॉट होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी जब हम जल्दी में होते हैं तो हम वो नॉट नहीं पढ़ पाते, इसीलिए सारे क्वेश्चंस पहले आराम से पढ़िए। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि लगातार आपके 2-3 या 4-5 सवाल नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पेपर सभी के लिए ज्यादा टफ हो, इसकी वजह से आपको स्ट्रेस लेके फिर अगले सवाल गलत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी 4-5 सवाल नहीं आ रहे हैं, रुकिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी पीजिए, या फिर ऐसे ही 2 मिनट के लिए सांस लीजिए और फिर पेपर फिर से करना कंटिन्यू करें। बस आपको पूरे पेपर में यह ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेस की वजह से कोई गलतियां ना करें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई सेक्शन जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री पर्टिकुलरली थोड़ा सही नहीं हुआ है और आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के, तो उस टाइम रुकिए, पहले उस सेक्शन की ओएमआर शीट भर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। मुझे उम्मीद है इन सब टिप्स से आपको फायदा होगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड एंड आई नो यू विल डू रियली गुड।